मंगलवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 339 केंद्रों पर 48,434 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 35,456 लोग तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 12,978 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में एडिशनल CMO डॉक्टर A.N. प्रसाद ने बताया कि जनपद में 83% वैक्सीनेशन किया जा चुका है, सेकेंड डोज 56% और 15 से 18 वर्ष के वर्ग के लोगों का 25% वैक्सीनेशन किया गया है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क, सैनिटाइजर तथा सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करते हुए सामाजिक दूरी बनाएं, भीड़भाड़ से बचे रहें तथा अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें, तथा लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि जो लोग अभी वैक्सीनेशन नहीं करवाए हैं वो अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल या जिला अस्पताल जाकर अपना वैक्सीनेशन करा लें। उन्होंने कहा कि इस वायरस को लोग हल्के में ना लें और सभी लोग टीकाकरण करवाएं। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए एडिशनल CMO डॉक्टर A.N. प्रसाद ने कहा, रजिस्ट्रेशन किया क्या मैडम? टीकाकरण किया गया। आज 337 केंद्रों पर हमारे टीकाकरण चल रहे हैं। अब तक हमने जनपद वासियों का 83% लगभग टीकाकरण फर्स्ट डोज से करा चुका हूँ। सेकेंड डोज लगभग 56% हमारे हो रहे हैं और 15 से 17 वर्ष के जो हमारे आयु के जो वर्ग के लोग हैं उनका टीकाकरण लगभग 25% हम करा चुके हैं। और कल से 10 जनवरी से जो फ्रंट लाइन वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर और सीनियर सिटीजन 60+ का जो वैक्सीनेशन चल रहा है उसमें थोड़ी गति अभी कम है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उसको अगले 4 से 5 दिन के अंदर उसको भी हम सैचुरेट कर लें। जनता से मेरी सिर्फ और सिर्फ यही नम्र निवेदन है, कोविड प्रोटोकॉल को अच्छा से पालन करें, मास्क लगाएं, समय समय पर हाथ सैनिटाइज करें, फिर घंटे घंटे मौका मिल जाए हाथ धो लें, सामाजिक दूरी बनाएं, भीड़ भाड़ से बचें, घर से तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी हो, अन्यथा सिर्फ तफरी के लिए घर से न निकलें। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिनका भी कोई डोज जो ड्यू हो चुका है और छूटे हुए हैं, जिनको फर्स्ट जो भी, स्पेशली मैं उन लोगों से अनुरोध करना चाह रहा हूं जिनका अभी तक फर्स्ट डोज भी नहीं लगा है, तो वो आए बूथ पर, अपने निकटतम जो वैक्सीनेशन साइट जो हमारे बने हुए हैं, जहां भी हों, चाहे शहर में हो, गांव में हो, वहां जाएं और अपना खुराक लगवाएं और इस महामारी से सुरक्षित रहें। सिर्फ और सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे हम बच सकते हैं। कहने को तो कहा जा रहा है कि ये वेरिएंट संक्रामक है लेकिन गंभीर नहीं है, खतरनाक नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि ये खतरनाक भी है, इसलिए कि पिछले 2 वेव जो रहा उससे हमारी बॉडी इम्यूनिटी बनी, फिर हमने अब तक 83% लोगों को जो फर्स्ट डोज का टीकाकरण लगा दिया है, तो यही जो टीकाकरण है यही सुरक्षित हमको रख रहा है, जिससे इसके प्रभाव कम दिखाई पड़ रहा है और जिस लोगों को हो भी रहा है जिनको ये, उनको इसका प्रभाव कम हो रहा है, इसलिए लोग समझ रहे हैं कि ये बहुत कमज़ोर है, सर्दी जुकाम का वायरस है। ऐसा नहीं है, ये सर्दी जुकाम का वायरस नहीं, ये भी उतना ही खतरनाक है जितना पिछले 2 वेव का रहा। बस अंतर इतना है, इस बार हम टीकाकरण से सुरक्षित हैं। तो मेरा निवेदन है कि जिनका फर्स्ट डोज छूटा हुआ वो तो कम से कम अब आकर लगाएं।